मिस्टर बिदनानी की एक्सपोर्ट कंपनी ने हमें 1,00,000 शर्ट्स का ऑर्डर दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे। आई विल एक्सप्लेन यू राहुल साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिया हूँ, तो वहां के एक्सपीरियंस को हम यहाँ भी यूज किया हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जापान में हर पुर्जा हर पार्ट अलग अलग हिस्से में अलग अलग सेक्शन में बनते हैं, फिर हर पुर्जे को हर पार्ट को एक जगह ला करके जोड़ देते हैं। हम यहाँ भी वैसे ही किया हूँ। लेकिन आप जानते ही हैं ये भारत है और हम इंडियन हैं, तो हमारे यहाँ फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो हमें बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया लगाया। हम क्या किया हूँ, हम सोचा हूँ कि हम पहले शर्ट का एक हिस्सा बनाऊंगा, फिर दूसरा हिस्सा बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा, फिर चौथा बनाऊंगा और सब एक साथ जोड़ दूंगा। लेकिन राहुल साहब क्या है कि एक प्रॉब्लम खड़े हो गए। क्या प्रॉब्लम? ऐसा हो गया है कि सबसे पहले हम 1,00,000 कॉलर बना लिया हूं। क्या 1,00,000 कॉलर सबसे पहले तैयार कर लिया हूं, और अब ऐसा है कि पैसा भी खत्म और कपड़ा भी खत्म, और अब पैसा और अब जब तक और पैसे नहीं आए और कपड़ा नहीं आए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत समझदार है आप, बहुत इंटेलिजेंट है आप, पर आप एक नंबर के गधे, इडियट और डफर है। ठीक है, हम चलता हूं अंदर फैक्ट्री में। खबरदार, जो आप फैक्ट्री में गए तो बैठिए यहां पे। यकीन नहीं आ रहा मुझे आपने क्या किया। एक तो घर पर बच्चे, और यहां आप एक काम करिए, आप मेरे घर जाइए, वहां 3 बच्चे हैं, उनका ख्याल रखिए, और रास्ते में कुछ खाना ले जाइए उनके लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। हम 3 बच्चों को संभाल लूंगा। जब हम यहाँ 40-40 को संभालता हूँ तो 3 क्या है? जब हम जापान में थे ना तो शट अप, चुप। जापान 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 का नाम नहीं सुना चाहता मैं। ये लो मामा के कपड़े, कोई भी पहन लो। ये चाहिए? ये पहन लो। अच्छा, ये पहन लो। हाँ, ये नहीं 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 ये गंदा है। ये क्या है? ये चाहिए? ये ठीक लग रहा है। देता हूँ। ये क्या है? ये उसका कुर्ता है, ये इसका पजामा। ये नहीं, ये पजामा है, ये कुर्ता है। हाँ, अरे जो भी है ठीक है। ये पहनो ना। ठीक है, चलेगा। अच्छा, बाकी कपड़े वापस रख दो। चलो चलो जल्दी रख दो। कौन है? ओ, भिंडो से बोलते हैं। हेलो, सो स्वीट। देखे, आपके मामा जी ने हमको भेजे हैं आपके आफ्टर लुक के लिए, मीनिंग आपकी देखभाल करने के लिए। हमारा फुल नेम वीपी मिश्रा है, हम जापान से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। बहुत ही फंटास्टिक फूड लाया हूँ हम, आप भी लीजिए ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, हम पानी लाना तो भूल ही गया हूँ। आई विल ब्रिंग द वाटर, है हम अभी आता हूँ। अरे वाह, खाना बहुत अच्छा है। कौन लाया? हम लाया हूँ। आप लाए हैं? आप लाए हैं? एक, दो, तीन, चार। 1, 2, 3, 4। राहुल बाबू तो बोले थे 3 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ तो 4 बच्चे हैं। लगता है हम गलत सुन लिए थे। यही है जी। थैंक यू। चलिए यस, कहिए। क्या ये मिस्टर चोपड़ा का घर है? नो जी नहीं, ये राहुल मल्होत्रा के घर हैं। किसी ने हमको बोला था ये मिस्टर चोपड़ा का घर है। बोलिए ना, बोलिए ना, बात क्या है, बात क्या है, बोलिए ना। देखिए, हमारा बेटी लापता है। अब मुनि के उसका नाम है वाइजेन। किसी ने हमको बोला है मिस्टर चोपड़ा का 3 बच्चों का साथ कल उसको देखा, इसलिए मैं आया। एब्सोल्युटली रॉन्ग हैं आप। पहले तो ये मिस्टर चोपड़ा के घर नहीं, मल्होत्रा के घर है। और दूसरी बात, यहाँ 3 नहीं 4 बच्चे रहते हैं। 4। आई एम सॉरी, लेट अस गो। मेसनाट, मेसनाट, यू आर ऑलवेज वेलकम। मिश्रा जी, यहाँ पुलिस क्यों आई थी? जी वो लोग यहाँ पर 3 बच्चों वाला घर ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हम बोल दिए कि यहाँ पर 3 नहीं 4 बच्चे रहते हैं। क्या मिश्रा जी, आप बेवकूफी नहीं, इडियट ही नहीं, एक नंबर के झूठे इंसान है। यहाँ 4 नहीं 3 बच्चे रहते हैं, कमाल करते हैं आप। तके, 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 राहुल बाबू तके। चलिए, हम बेवकूफ हो सकता हूँ,
इडियट हो सकता हूँ, मूर्ख भी हो सकता हूँ, लेकिन हम झूठा नहीं हूँ, नहीं हूँ हम झूठा। आप अभी जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए, मैं आपसे कल फैक्ट्री में मिलूंगा। चलिए, हम जाता हूँ, लेकिन हम झूठा नहीं हूँ। ठीक है, हम भगवान कसम खा के कहता हूँ कि हम झूठा नहीं हूँ। आप जाइए, आप चार बच्चों को तीन बच्चे कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हम झूठा हूँ? बोलिए। सनी, अरे जाओ जाओ, नहीं तो अंदर आ जाएंगे। बुखार कैसा तुम्हारा? आपके जाते ही ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ, आज स्कूल जो नहीं गए। क्या करेंगे विकी, ये क्या है? क्या मेरे कमरों के हाथ लगाया? मुझे क्या मालूम। हाँ, वो मिश्रा जी गए थे आपके कमरे में। हाँ मामा जी, वो आपके कपड़े देख रहे थे। क्यों सनी? ये मिश्रा की तो मैं, उसकी हिम्मत कैसी मेरी कपड़ खोलने की। ये लड़की का ड्रेस मेरे कमरे में कैसे आया? यही तो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि लड़की का ड्रेस आपके कमरे में कैसे आया? क्या? चुप रहो, बदतमीज। हेलो, हेलो, कौन? मिस्टर राहुल प्लीज। एक मिनट मामा जी। क्या है? किसी लड़की का फोन है आपके लिए। लड़की का पूछूं, कहीं उसी की फ्रॉक तो नहीं? इधर लो। हेलो। हाय हैंसम, उस दिन तो हाथ से निकल गए थे तुम, आज तो आ जाओ। विल हैव ग्रेट फन, तुम्हें पिताजी से भी मिलवा दूंगी। आ रहे हो ना तुम? देखो माया। क्या? देखो माया, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। राहुल, दिन में पूछो तो काम है, रात में पूछो तो काम है। चलो नीचे उतरो। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं देखो, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ नहीं आ रहे हो तो मैं वहां आ रही हूं। हेलो माया। चलो जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, चलो। इतनी जल्दी? आपने तो कहा था कि लेसन करेंगे। नहीं नहीं, लेसन आज नहीं करेंगे, आज मैं थक गया हूँ, कल करेंगे। चलो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सामने 1,00,000 शर्ट्स का ऑर्डर है जो हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। कल तक ये जिम्मेदारी श्री भगवती प्रसाद मिश्रा की थी। लेकिन आज से मैंने ये फैक्ट्री का चार्ज पूरी तरह से ले लिया है। आज के बाद मैं और आप एक साथ मिलकर ये काम पूरा करेंगे। आप साथ हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और हम भी तो तैयार हैं चिकने। मेरा मतलब है, हमें मेहनत, लगन और ईमानदारी से फैक्ट्री को चलाना है। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर चलें तो हाथ पकड़ने का मजा आ जाएगा। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये कि हमारी जान हाजिर है जी। जान नहीं, मुझे शर्ट चाहिए, कमीज। तो हमारा दिल ले लो। दिल नहीं, मुझे शर्ट चाहिए। शर्ट क्या चीज है जी, सब कुछ तो तुम्हारा है।